और खबर, दिल्ली के इंजीनियर्स भवन में भीषण आग लगी है। आईटीओ के पास ये भवन है जहां पर आज सुबह अचानक आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। हर तरफ धुएं का गुबार, आईटीओ के पास इंजीनियर्स भवन में आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। सुबह के समय जब लोगों ने धुएं का गुबार देखा तो पता चला कि आग लगी है अंदर। कई गाड़ियां दमकल की मौके पर। हालांकि सुबह का समय था, सब तमाम जो दफ्तर होते हैं वो खाली होते हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा अफरा तफरी की स्थिति नहीं रही, ये राहत की बात रही। दिल्ली के आईटीओ के पास इंजीनियर भवन में भीषण आग लगी, फिलहाल मौके पर हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दरअसल इंजीनियर भवन की बिल्डिंग है, और सुबह करीब 8:31 पर फायर डिपार्टमेंट को ये जानकारी मिलती है कि इंजीनियर भवन में आग लगी है, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की एक के बाद एक गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं। करीब 12 गाड़ियाँ, एक दर्जन गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर पहुँचती हैं और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी है, किसी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन सेकंड फ्लोर पर आग लगने की वजह से काफ़ी सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि एक गार्ड जो कि फायर कर्मियों को रास्ता दिखाने के लिए ऊपर गया था, वो ऊपर ही धुएं के कारण फंस गया था, उसको रेस्क्यू कराया गया और सफलतापूर्वक उसको रेस्क्यू करा लिया गया है। उसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है और फिलहाल आप देख पाएंगे कि फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां यहां पर मौके पर हैं। एक दर्जन गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, इसके साथ साथ एम्बुलेंस भी यहां पर एहतियातन लगाई गई थी कि अगर किसी प्रकार की कैजुअल्टी होती है, किसी प्रकार को कि किसी को चोट लगती है तो उसको अस्पताल पहुँचाया जा सके। इसके साथ साथ एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूँगा कि सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये दरअसल स्काई लिफ्ट है और इसको भी एहतियातन यहाँ पर मौके पर बुला लिया गया था, क्योंकि जितनी बड़ी आग लगती हैं उसमें स्काई लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है और ये स्काई लिफ्ट भी एहतियातन यहाँ पर बुला ली गई, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फायर कर्मियों ने इसी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, नॉर्मल फायर टेंडर्स होती हैं, इसी के ज़रिए आग बुझा ली। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, एक दर्जन फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन फिलहाल कूलिंग का काम लगातार जारी है। कैमरामैन मनमोहन के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।